द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो पैट की परीक्षा हुई है 16 अक्टूबर को, जो कि प्रथम पाली की परीक्षा है, उसका आंसर की आ चुकी है। तो चलिए फटाफट हम लोग 16 अक्टूबर की प्रथम पाली का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की पर चर्चा करते हैं। किसी भी प्रश्न का हम लोग डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से हम लोग लगातार डिटेल में व्याख्या कर ही रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही है, बस उसको ही देखेंगे, ठीक ना भैया। और कुछ यहाँ पर डिटेल में व्याख्या हम लोगों को नहीं करनी है। आप में ये हो सकता है कि क्योंकि बुकलेट सबकी अलग अलग मिली हुई है, तो जो प्रश्न है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपका विकल्प दिया गया है, ये विकल्प भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही है, लेकिन ए नंबर का विकल्प सही है, हो सकता है आपके बुकलेट में ये सी नंबर पे या डी नंबर पे दिया हो, तो विकल्प भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जो प्रश्न है उनका क्रम तो आगे पीछे दिया ही गया है। चलिए फटाफट हम लोग अपने आंसर की को देखते हैं, जो कि आपका 16 अक्टूबर की प्रथम पाली का पेपर है। पहला प्रश्न हमारे पास है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो शर्तें थीं उसमें आपका ये वाला विकल्प बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिक्रम और हस्तांतरण अधिनियम 1970, ये वाला जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है। सिर्फ सही विकल्प हमें चुनना है। 1991 की आर्थिक नीति वाला जो प्रश्न है उसका राजकोषीय नीति सुधार आपका विकल्प सही है। अगर आपको जल्दीबाजी में प्रश्न नहीं मिलते हैं अपनी बुकलेट में, तो वीडियो पॉज करके पहले सही विकल्प को टिक लगा लीजिए, तब अगला प्रश्न देखिएगा। वीडियो रोक रोक कर आप अपने जो भी बुकलेट आपको मिली है उसमें सही उत्तर पर लगाइएगा। हरित क्रांति, स्वामीनाथन, ये तो सबको रटा होगा कि हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तीन, कौन सा नंबर का प्रश्न था भैया, ये 3 नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर चलते हैं, DPSP नीति निदेशक तत्व कहाँ के लिए गए हैं, आयरलैंड के लिए गए हैं, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 19 किससे है, तो ये वही आर्टिकल है जिसके कारण हिंदुस्तान में इतना बवाल होता है, और जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। इसके कम से कम 5-6 जो है सब आर्टिकल हैं। आगे बढ़ते हैं, संसदीय प्रणाली किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो कार्यपालिका होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो कार्यपालिका होती है काम, यानी कि आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होता है, वो विधानमंडल, यानी कि यहाँ पर लोकसभा लिखा होना चाहिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ये विधानमंडल। ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी विकल्प आपका सही हो सकता है। विधानमंडल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल लिखा गया है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें डाउट है। एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं उसमें से कम 2 या 3 प्रश्नों की हम गारंटी नहीं लेंगे, बाकी की 100 में से 100 प्रश्नों की गारंटी लेंगे कि ये आपके पूरे के पूरे सही हैं। 2-3 प्रश्न हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो ये 6 नंबर का प्रश्न डाउट वाला प्रश्न है। वैसे यहाँ पर विधानमंडल सही है ऐसा जो है जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आयोग की अपनी खुद की रणनीति होती है, वह इनमें से कोई नहीं भी सही कर सकता है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सीधा सीधा आंसर होगा वो लोकसभा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, द्विस्तरीय सरकार ये मुख्य विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी ये वाला विकल्प सही होगा। 8वें, हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746, सबको रटा हुआ क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, पानी का भाप में रूपांतरण, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, हाँ पानी का भाप में रूपांतरण ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक की अभिक्रिया होती है। पारिया एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग पहले बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हाँ अब सही है। पायरिया निम्न में से किसका रोग है, तो पायरिया जो रोग होता है, दांत आपके पीले पड़ जाते हैं, तो मसूड़ों का ये रोग होता है। फ्लोएम किसका ऊतक होता है, तो ये पौधों से संबंधित होता है, फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, तो जो आपके पंचायती राज का भी पिछले साल आपका जो है चुनाव हुआ है, इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम और जिला, ग्राम होता है, ब्लॉक होता है, और फिर जिला होता है, ठीक है। 13 नंबर चलते हैं, ये गणित का प्रश्न है, इसमें सबसे बड़ा जो कौन होगा ये छाटना है, तो 7/8 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, ये वाला आपका गणित का जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था उसका 2.35 ये विकल्प आपका सही रहेगा। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है, तो 19 का
40% जो होता है 7.6 होता है। 80 में से 80 से 60 से 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो औसत होगा वो 70.2 होगा। विकल्प आप ध्यान से, ये करणी वाला जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो 2.35 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो कार की बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। ये आपका होता है 19 नंबर के प्रश्न में। 18 नंबर हम खत्म कर चुके हैं। श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद और स्वेद मतलब होता है पसीना। खाक में मिलना मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का क्या मतलब होता है, अनिल मतलब होता है हवा यानी कि पवन, और गुप्त का विलोम होता है प्रकट। ठीक है, चलिए सद्भावना का संधि विशेष होता है सत प्लस भावना, सत प्लस भावना। ठीक है, 23 नंबर में ये आपका सही रहेगा। आगे हमारा पैसेज दिया गया है, किसका आपका ये जो पैसेज है ये इंग्लिश का पैसेज है, तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर में नाइबर लिफ्ट का जो आंसर होगा वो डाउन स्टेयर्स होगा, ये वाला विकल्प आपका सही हो रहेगा इस वाले प्रश्न का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा है, प्रिंट आउट थोड़ा सा गड़बड़ है। इलिप्जेट इसका जो आस्थमा, ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, मॉर्न का एंटोनिम्स होगा जॉय। ठीक है, आप अपने बुकलेट से फटाफट मिलाते जाइए। और वन वर्ल्ड इसमें छाटना है, वन वर्ल्ड इसका 27 नंबर का वन वर्ल्ड, देखिए इसमें निशान नहीं लगा है, तो ये एक प्रश्न आप छोड़ दीजिए, एक नंबर का प्रश्न आप छोड़ दीजिए, 27 नंबर में निशान नहीं लगाया गया है भैया। 28 नंबर पे देखते हैं, एक्सेल का जो बनिशमेंट, ये आपका विकल्प ए वाला एक्सेल, इसका जो है सिनोनिम्स होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, 27 नंबर का प्रश्न में इसमें निशान नहीं लगा है, यानी एक प्रश्न यहाँ पर छोड़ दिया गया है। आगे हमारे रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न में ये जो कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न था इसमें आपका आपका ये वाला जो विकल्प है, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 30 नंबर पे आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर में कहाँ है, 30 नंबर ये है आपका विषम संख्या चुनना है, तो ये वाला जो विषम संख्या चुनने वाला प्रश्न था इसमें आपका 33 सही रहेगा। और 31 नंबर में ये जो घड़ी वाला प्रश्न था, 6:10 पर वाला जो घड़ी वाला प्रश्न था उसमें 125 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, सिर्फ प्रश्न को ध्यान से देखते रहिए और आंसर मिलाते रहिए, अभी हमें जो है क्या करना है, डिटेल में व्याख्या उख्या नहीं करनी है। 32 नंबर में आपका जो कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न था उसमें ये वाला जो प्रश्न था 1412, ये वाला विकल्प जो है, ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 14 से जो विकल्प स्टार्ट हो रहा है वही आपका विकल्प सही है। और ये द अनामलाई रीडिटेल नाम की डेजमल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है, तो ये वाला जो आपका प्रश्न है करंट अफेयर का, ये केरल के हैं। एक आपका रीजनिंग का प्रश्न है, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती भाई का पिता है, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका नाना आपका विकल्प सही रहेगा। 34 नंबर हो गया, 35 नंबर पर चलते हैं। INS तर्कस ने लाल सागर में जो है प्रश्न उसका, INS तर्कस जहाँ जिस प्रश्न में लिखा गया है उसका सूडान विकल्प आपका सही रहेगा। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर, औरंगाबाद का नाम क्या बदला गया है, ये भैया हमने आपको बहुत बार बताया है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदला गया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि आपकी जो पैट की परीक्षा थी उसके लिए हम लोगों ने 30 दिनों का एक वीडियो सीरीज चलाई है जिसमें प्रत्येक विषय के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें से अधिकांश प्रश्न, मैं 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन 80% की गारंटी ले रहा हूँ कि उनमें से 80% प्रश्न इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि पैट एक छोटी सी परीक्षा होती है, इसमें वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो पिछले 7-8 सालों में अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे लेखपाल के पेपर हो, चाहे BDO का पेपर हो, चाहे SSC CGL का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे MTS का हो, चाहे CPO का हो, चाहे स्टोनोग्राफर हो, कोई भी पेपर हो, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको छोटी छोटी परीक्षाएं जैसे पैट की जो परीक्षा होती है या सुपर टेट की जो परीक्षा होती है उसमें दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई नए प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके पहले भी किसी परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान एवं किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो आयुर्वेद रत्न वाला जो आपका प्रश्न है उसका UK आपका विकल्प सही होगा। यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कौन से नंबर पे भैया, 39 नंबर पर। 38 नंबर समाप्त हो गया है। टाटा पावर सोलर वाला जो
प्रश्न है उसका आपका केरल विकल्प सही होगा। हिमाचल प्रदेश के 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वाला जो प्रश्न है उसमें अमेरिका और भारत वाला जो विकल्प है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए IOL के साथ समझौता किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा कर रही है, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री आपका सही होगा। अब चलते हैं 42 नंबर पर। हाँ, जुलाई 2022 में काफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोधी बहुत ही खतरनाक प्रश्न दिए गए हैं। नॉर्मल पेपर नहीं है भैया, बहुत खतरनाक पेपर है। कल वाला पेपर तो फिर भी कुछ आसान था, लेकिन आज वाला पेपर खतरनाक है। तो ये वाला जो प्रश्न है कॉफी बोर्ड वाला, उसका इसरो आपका विकल्प सही रहेगा। 42 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के लिए सबसे लंबी अवधि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा? देखिए ये प्रश्न दो ना हज़ारों बार पेपर में पूछा गया है, हमने तो 4-5 बार तो हमने खुद पढ़ाया है, अपने 30 दिनों का जो वीडियो लेक्चर की सीरीज थी उसमें खुद पढ़ाया है। और हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपकी परीक्षाएं नज़दीक होती हैं उसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सुपरफास्ट रिविजन करते हैं। ये सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं भैया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। डार्क कर्मियों की पोर्टल जो है, ये भी देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न है आपके, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं की वृद्धि करना, ये आपका विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको कराया गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला हमारा 46 नंबर में है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है भैया, कर्नाटक वाले राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो अभी मनाया गया, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। अगर आप लोग मोबाइल वोबाइल चलाते हैं तो उसमें शुभकामना भी आपके व्हाट्सएप में या टेलीग्राम के ग्रुप में आई होगी। भारतीय वायुसेना दिवस अभी मनाया गया है 8 अक्टूबर को, ठीक है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सांझी कला मथुरा से स्केटलिंग की पारंपरिक कला है, तो यहाँ पर ये मथुरा जो लिखा गया है उसमें सांझी आपका विकल्प सही रहेगा। 50 नंबर पर चलते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन है? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, तेलंगाना आपका 29वां राज्य बनाया गया है, 2014 की ये बात है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 51 नंबर के प्रश्न पर, ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये कितना आसान सा प्रश्न है। ये सारी किताबें आपको कराई गई हैं, ये महात्मा गांधी की किताब है। आप 30 दिनों का जो लेक्चर है उसमें जाके पुस्तकें और उनके लेखक एक बार देख लीजिए, उसमें ये बुक लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस होता है वो सूर्य की अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वॉलीबॉल जो होता है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसमें नेपाल लिखा है, लेकिन इसको आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये अर्जेंटीना नेपाल हाँ हो सकता है, एक बार इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा भैया। यहाँ पर जो हमारे टीम है उसने नेपाल बताया है, लेकिन एक बार इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऐसा करके आप सर्च कर लीजिएगा। अभी हमारे पास आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, 54 नंबर पर, ये 10 प्रश्न तो फ्री फंड वाले प्रश्न होते हैं जो कि आपको हिंदी के दिए रहते हैं। आपको जो है एक ग्राफ होगा उसको पढ़ना होगा, उसके आंसर देना होगा। तो आज की युवा पीढ़ी जो है यदा कदा पान सुपारी का सेवन करती, ये वाला विकल्प इसके लिए सही रहेगा। मादक पदार्थों के सेवन करने वाले युवाओं को किस प्रकार की बीमारी होती है? ये सभी बीमारी हो सकती है, यानी कि यह सभी यहाँ पर विकल्प सही होगा। आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों को सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो बच्चों के माता पिता ही उनके सबसे ज़्यादा दोषी हैं। भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इस नशीली वस्तुओं का, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका लंबा चौड़ा सा ये जो विकल्प दिया गया है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 58 नंबर पर, मादक पदार्थों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसमें पहला और तीसरा और चौथा, यानी कि ये पहला वाला विकल्प, तीसरा वाला विकल्प और चौथा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ये वाला आपका जो विकल्प है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा जो है पैराग्राफ चालू होता है, हिंदी का ही है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ खत्म होता है। और 59 नंबर का जो प्रश्न है, रमेश ने 5000 रुपये के शेयर खरीदे, इसका जो विकल्प होगा ये दूसरा और चौथा आपका सही रहेगा, यानी दूसरा चौथा जिसमें लिखा है
यह आपका बिल्कुल सही है। 60 नंबर चलते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताए गए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। इन्होंने क्या किया भैया कि पेपर को कठिन बनाने के लिए आपको लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हैं और लंबे लंबे आपको प्रश्न दिए हैं, जिससे यही प्रश्न आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाते। इसमें आपका जो पहला है, तीसरा है, चौथा है, ये वाला कथन आपका सही, यानी कि ये वाला जिसमें पहला तीसरा चौथा लिखा है, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है, तो सेविंग बैंक में रखना, रुपया को रखना, ये आपका निवेश के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए इनमें से कि निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं, तो निवेश की सही विशेषताएं जो हैं वो आपका पहला है और आपका चौथा है। पहला चौथा कहां पर दिया गया है, पहला चौथा आपके जिस भी विकल्प में लिखा गया हो वो विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास 63 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, तो सोने की गहने खरीदना जो है वो निवेश का उदाहरण है। आगे हमारा स्टार्ट होता है ग्राफ के 10 प्रश्न, खतरनाक लेवल के ये प्रश्न है, यहाँ पर यह दिया गया है। चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर देते हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट अधिकतम थी, तो वो उस वर्ष का नाम है 2012 वाला विकल्प आपका सही होगा। जिस प्रश्न में 2012 और 13 लिखा गया है उसमें आपका 1.7% ये विकल्प आपका सही रहेगा। जिस प्रश्न में 2014 के दौरान लिखा गया है उसमें इसमें तो देखिए इसमें क्या है, 66 नंबर का यहाँ पर दिया गया होगा। देखिए ये प्रश्न, ये आपको दूसरा प्रश्न मिल रहा है जिसमें विकल्प आपको सही आंसर नहीं दिया गया है, तो चलिए इसको हम लोग बाद में सॉल्व करके हम लोग बता देंगे, यहाँ पर सही विकल्प का आंसर टिक नहीं लगा है। 67 नंबर का प्रश्न है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल के शामिल होने वाले छात्र, ये वाला जो प्रश्न है इसका 7:10 ये विकल्प आपका सही होगा। और 2013 जिस प्रश्न में लिखा है उसका जो विकल्प होगा वो 93.75 ये विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पे, ये हमारा दूसरा यहाँ पर ग्राफ चालू हो जाता है। दूसरे ग्राफ को ध्यान से देखने के बाद आप 69 नंबर के प्रश्न में जिसमें 2005 और 2006 लिखा गया है उसमें आपका जो विकल्प होगा वो 2002-2007 वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अगले 2003-2004 जिसमें लिखा है उसका जो विकल्प होगा वो 23% जो विकल्प है वह विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 71 नंबर पर, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी, तो वो 2002 का वर्ष था, ठीक है। और इसमें दिए गए वर्ष में मोबाइल में उत्पादन अगर आपको निकालना हो तो ये जो 4 दिया गया है, 4 ये 4 आपका विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। और 92 प्रश्न में जिसमें 73 नंबर में जिसमें 2001 लिखा गया है उसमें जो आपका विकल्प है 183.33 ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अब सबसे खतरनाक जो आपके प्रश्न का लेवल है आएगा वो तालिका में आएगा, यानी कि पूरे पेपर का सबसे खतरनाक जो पोर्शन था वो तालिका था। तो अब हमारे पास तालिका के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से खतरनाक से प्रश्न है, लंबे लंबे प्रश्न हैं और अधिकांश अभ्यर्थियों ने इन प्रश्नों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कंपनी ई की जो बात कर रहा है, MBA डिग्री धारक, ये जो प्रश्न होगा उसका 77% आपका विकल्प सही रहेगा। 75 नंबर में कंपनी ए और ई की जहाँ पर बात कर रहा है वहाँ पर आपका 233.29% आपका विकल्प सही रहेगा। जिस प्रश्न में आपका कंपनी ए और सी की बात कर रहा हो वहाँ पर 208.115 ये विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये आपके बुकलेट में ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप फटाफट सिर्फ निशान लगाते जाइए और उसके बाद क्या करिए कि पूरे 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 77 नंबर चलते हैं, सभी कंपनियाँ कंपनी डी को छोड़कर कंपनी डी जिसमें लिखा गया है उसका कौन सा विकल्प होगा, उसका आपका जो विकल्प 138 रहेगा ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें कंपनी डी के बारे में बताया गया है। 77 नंबर हो गया है, कहां पर हो गया 77 नंबर, अब 78 नंबर चलते हैं, जिसमें कंपनी बी की बात कर रहा है उसमें 35:11 ये विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। और 79 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा तालिका स्टार्ट हो जाती है, दूसरी तालिका भी खतरनाक है और जिसमें राज्य डी की बात कर रहा हो उसमें आपका 2.4 मिलियन विकल्प आपका सही रहेगा, जिसमें राज्य सी की बात कर रहा हो उसमें 5 मिलियन आपका विकल्प सही रहेगा। और 81 नंबर के प्रश्न में जिसमें राज्य बी की बात कर रहा हो उसमें 1:2 आपका विकल्प सही रहेगा। 82 नंबर में जिसमें राज्य सी की बात कर रहा हो और 4 मिलियन
लिखा हो उसमें आपका 1:8 मिलियन यह आपका विकल्प सही रहेगा। 83 नंबर में राज्य ए की बात कर रहा है तो राज्य ए की बात में इनमें से कोई नहीं, ये वाला विकल्प इनमें से कोई नहीं, ये वाले राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले ये जिसमें लिखा है उनमें से कोई नहीं आपका विकल्प सही होगा 83 नंबर में। 84 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या होता है सामान्य जागरूकता आपकी स्टार्ट होगी। सामान्य जागरूकता एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही सारे प्रश्न आपको मिले हैं जो 30 दिनों का वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने कराया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के किनारे, बहुत ही आसान प्रश्न है। हर्षवर्धन के दौरान एक मिनट देखिए पॉइंट देखिए प्रश्न देख नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा सा फोटो खींचते समय इसका जो गलत हो गया है। तो इसमें पाटलिपुत्र और कुरुक्षेत्र, इसमें ये पाटलिपुत्र नहीं होगा और मगध भी नहीं होगा, कुरुक्षेत्र भी नहीं होगा, तो ये जो चौथा विकल्प आपका बचा है यही होगा। तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको प्रिंट आउट लेते समय एक गड़बड़ हो गया है। किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला नीति थी? छापामार और गुरिल्ला नीति मराठा अपनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डारसिंगर नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोम लोपी ढलाई की कास्टिंग मोम लोपी ढलाई के रूप में इसे मिली है, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर 87 हो चुका है। 88 पे चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? तो हर्षद मोहिनी तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जो प्रथम कार्यकर्ता हर्षद मोहिनी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर नेता की बात करें तो उनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं तो हर्षद मोहानी इनका विकल्प होगा सही होगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन, ये इसका प्रमुख कारण था। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के प्रश्न पर। किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत किया। ये 90 नंबर खत्म हो गया है। 91 नंबर पर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश शासन के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या है? तो इसमें पहला वाला विकल्प है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ये वाला जो पहला विकल्प है यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के मुख्य कारण क्या थे? तो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना, ये महात्मा गांधी का प्रमुख कारण था, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान साथ आने के बजाय बहुत दूर दूर चले गए और इसी वजह से मोपला विद्रोह भी हुआ था। तो ये खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी की एक असफल नीति थी और बहुत ज़्यादा असफल नीति थी। 94 नंबर चलते हैं। भारत में वह स्थान जहाँ पर दिन और रात में व्यापक अंतर पाया जाता है तो वह है थार मरुस्थल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सब कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो टाइम जोन टोटल जो है 24 टाइम जोन है। कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। सारे रटे हुए प्रश्न हैं, कोई इसमें से नया प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है। स्थिरता के साथ विकास ये जो कहा गया था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। किसने व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? ये होते हैं निजी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। तो जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन का जो जंगल पाया जाता है, अमेजन के वर्षा बनने वाले जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें हम लोग पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि वहाँ से अधिकांश मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो एक या दो प्रश्न में निशान नहीं लगा था इसलिए उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपके टोटल 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग दूसरी शिफ्ट का जो पेपर होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। यह यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने दोस्तों मित्रों में भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही यूट्यूब चैनल है और हम लोग आपके लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक ना भैया? तो चलिए मिलते हैं अपने जो शाम वाली शिफ्ट होगी उसके आंसर की के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।